हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीपीवाई 2023 के बारे में। जी हाँ गाइस, केवीपीवाई 2023 क्या है, किस लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, किस तरह से फिल करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर यहाँ पे केवीपीवाई 2023 का कोई भी नया अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केवीपीवाई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, यहाँ पे केवीपीवाई का फुल फॉर्म है। अब गाइस, ये यूजी लेवल नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी कि ऑल ओवर कंट्री से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके कोर्स की बात करें तो इस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, और ये आप लोगों का ये जो एग्जाम है कंडक्ट करवाया था IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के थ्रू। नेक्स्ट, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस ऑनलाइन मोड में रिलीज किया जाता है। एग्जाम भी गाइस इसका जो है यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही आप लोगों का एग्जाम इसका जो है यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। अब गाइस यहाँ पे हमने इसके हाइलाइट्स देख ली, अब इसके बारे में और डिटेल में डेप्थ में जानेंगे एक एक टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे यहाँ पे एग्जाम डेट्स का। तो आप लोगों की जो एग्जाम की डेट्स है गाइस यहाँ पे अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू अनाउंस नहीं की गई है। जैसे ही ऑफिशियल अथॉरिटी आप लोगों की डेट्स अनाउंस करेगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में आप लोगों को हर एक इवेंट के डेट्स जो है एक्सप्लेन करके बता दिए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब आपने कोई भी गलती की, मिस्टेक की, इनवैलिड डिटेल्स एंटर की, तो आपका एप्लीकेशन मे बी रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा, किस तरह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से बचाना है वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये चेक करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। तो गाइस एप्लीकेशन प्रोसेस आपका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके बाद आपको पेरेंट्स डिटेल्स, फिर एजुकेशन डिटेल्स एंटर करनी होती है, फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। जब ये पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते तब जाके आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव होता है, एक्सेप्ट होता है। इसमें कुछ भी गड़बड़ करेंगे, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करेंगे, एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइस अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे जैसे आप लोगों का केवीपीवाई 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेके टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को उस वीडियो में पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने जो चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो, सेम उस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अब बात करें एप्लीकेशन फी की, तो जनरल कास्ट और ओबीसी के लिए गाइस 1250 रुपीज एप्लीकेशन फी है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए गाइस यहां पे 625 रुपीज आपके एप्लीकेशन फी रख दी गई है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो गाइस आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को गाइस यहां पे सेटिस्फाई करना, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। सबसे पहले आप भारतीय नागरिक रहने चाहिए, उसके बाद अगर यहाँ पे जो है रिजर्व स्ट्रीम की बात की जाए तो गाइस आप लोग यहाँ पे जो है 11th में आपका साइंस स्ट्रीम रहना चाहिए विथ मिनिमम 65% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड 75% एग्रीगेटेड फॉर जनरल कास्ट। एसएक्स के लिए गाइस इसी तरह से अलग एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे एसबी के लिए अलग है। तो आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उस स्ट्रीम की आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू। अब नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो गाइस आप लोगों का जो एग्जाम है यहाँ पे ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी, ये दो लैंग्वेजेस में आप लोगों के पेपर गाइस यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा, 3 घंटे में आप लोगों को पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली वो एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात है तो पेपर में 2 सेक्शन रहेंगे, Part 1 and Part 2। मार्क्स यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आप लोगों का, हर एक सही आंसर पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत आंसर पे आपका 0.5 यानी कि 0.5 मार्क्स आपके लोगों के यहाँ पे डिडक्ट किए जाएंगे।
अब यहाँ पे हमने जो पूरा एग्जाम पैटर्न देख लिया है, अब गाइस अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो सिलेबस का हर एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आप लोगों को सिलेबस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से आप डायरेक्टली कंप्लीट सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए एडमिट कार्ड की, तो गाइस एडमिट कार्ड में आपकी बेसिक सी डिटेल्स रहती है, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग, ये सारी डिटेल्स रहती है। बट यहाँ पे इशू क्या होता है, स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। दो मेन रीजन है, या तो उन्हें पता नहीं चल पाता एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, या तो किस तरह से डाउनलोड करना यही नहीं पता और लिंक ही उन्हें नहीं मालूम होती। तो गाइस आप लोगों के साथ ये कुछ प्रॉब्लम ना, इसलिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करके नोटिफाई कर देंगे। वीडियो में लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा, सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट, रिजल्ट के लिए भी सेम आपको डाउनलोड चेक करके बताया जाएगा रिजल्ट, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप लोग अपने उस इवेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। सो गाइस नाउ आई होप कि आप लोगों को केवीपीवाई 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो फिर टेलीग्राम चैनल के लिंक है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के लिंक है, वहां पे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।